वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे वी डिस्कस डिफरेंसेस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। आज जो है ना डिफरेंसेस जो है ना वो देखेंगे नीड्स और वांट्स के बीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना हम इसको देख लेते हैं कि नीड्स और वांट्स जो है ना ये हैं क्या, इसको डिफाइन कर लेते हैं। इंसानी ज़िंदगी जो है ना नीड्स और वांट्स के बहमी तामल के साथ जो है ना पजीदा तौर पर ना जुड़ी हुई है, इसके साथ जो है ना मुंसलिक हो चुकी है, जो हमारे वजूद के तश्कील दे रही होती है। ज़रूरियात बका और वेलफेयर के लिए जो है ना बुनियादी ज़रूरियात की नुमाइंदगी कर रही होती है, जिसमें जो है ना खुराक, पानी, रिहाइश और लिबास जैसे ज़रूरी अनासर हैं जो कि नीड्स हैं पड़ी हमारी। ये आफाकी मुस्तकिल हैं पड़े जो सकाफती हदूद को काट कर इंसानी वजूद की बुनियाद पर जो है ना इसके तौर पर खड़े हैं। ज़रूरियात को पूरा करने जो नीड्स हैं ना उनको पूरा करना सबसे अहम है, क्योंकि इनको नज़रअंदाज करना जिस्मानी तौर पर या फिज़िकली तौर पर जो हेल्थ है, सेहत है और मजमू इस्तेकाम के लिए ख़तरा बन सकता है। दूसरी तरफ अगर वांट्स को देखते हैं, ज़िंदगी की ज़रूरियात से बढ़कर ख्वाहिशात और तरजीहात की नुमाइंदगी कर रही होती हैं, जो हमारे वजूद के मियार को जो है ना बढ़ा देती हैं। अब जो है ना हम डिफरेंस देख लेते हैं जो नीड्स और वांट्स के बीच में। तो फर्स्ट है ना एसेंशियलिटी जो है ना, इसमें देखते हैं नीड्स का, ये जो है ना एसेंशियल है पूरे जो सर्वाइवल और वेलबींग के लिए जो है ना बका और जो है इसके वेलबींग जो है बहबूद के लिए जो है ये ज़रूरी होती है। नीड्स जो है ज़रूरत की चीज़ें जो होती हैं ज़िंदगी में ज़रूरी होती हैं, और वांट्स जो हैं अपने नॉन एसेंशियल हैं, अपने इतनी ज़रूरी नहीं है, गैर ज़रूरी है, ज़िंदगी के मेयार को बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं। इसमें ज़िंदा रहने के लिए जो वांट्स होती हैं ये ज़रूरी नहीं होती हैं। सेकेंड है यूनिवर्सल नेचर, कॉमन टू ऑल ह्यूमन, जो यूनिवर्सल नेचर होती है, तमाम नीड्स जो होती हैं ना हर बंदे को अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़रूरी होती हैं। हर बंदे में ये चीज़ कॉमन है, तमाम इंसानों के लिए मुश्तरक हैं। पर जिंदा रहने के लिए खुराक, लिबास और रिहाइश की ज़रूरत होती है, सब के लिए ये ज़रूरी होती हैं। वांट्स की तरफ आती हैं तो आते हैं तो ये मतनू सकाफत रुझानात से जो है ना मुतासर हो रही होती हैं, उससे कर रही होती हैं। थर्ड पॉइंट है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी जो है ना नीड्स में अगर देते हैं, हायर प्रायोरिटी मस्ट बी फुलफिल्ड फर्स्ट, आला तरजीह सबसे पहले पूरा करना ज़रूरी होता है, जो कि हमारी आला तरजीह हायर प्रायोरिटी होती है ना, इसको ज़रूरी होता है पूरा करना। और वांट्स जो होती हैं लोअर प्रायोरिटी होती है, कम तरजीह दी जाती है, ज़रूरियात के बाद तवज्जो दी जाती है। पहले लोग अपनी जो है अपनी नीड्स होती हैं, ज़रूरत है ज़िंदगी की चीज़ें वो पूरा करती हैं, कर रहे होते हैं, उसके बाद जो है ना फिर जाके अपनी जो ख्वाहिशात हैं उसको देखते हैं कि पूरा होंगी या नहीं, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है ना वह इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस जो है ना असर रसूख जो है ना नीड्स में के अंदर जो है ना लेस इन्फ्लुएंस्ड बाई एक्सटर्नल फैक्टर, बरूनी अवामिल से ये कम मुतासर हो सकता है, मतलब इतना ये असरअंदाज नहीं हो सकता, बरूनी अवामिल से कम ही होता है इस पर असर। वांट जो होती है ना इसके अंदर रुझानात और सकाफत के लिए ये ज़्यादा एहसास होता है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी ख्वाहिशात होती है ना वो शामिल होती हैं और बहुत मुश्किल से पूरी होती हैं, इसलिए ये एहसास मामला होता है इसका। नेचर की तरफ आते हैं जो फितरत है, तो नीड्स जो है ना फंडामेंटल एंड कॉन्स्टेंट हैं, अपनी बुनियादी और मुस्तकिल होती हैं, मतलब ये ज़रूरी होती हैं, बुनियादी भी होती हैं और मुस्तकबिल हमेशा ये पूरी करने ज़रूरी होती हैं। नीड्स जो होती हैं हमारी ज़िंदा रहने के लिए, मिसाल के तौर पर खाना खाना, तो ये बुनियादी तौर पर है, हेल्दी रखने के लिए टाइम पे खाना खाएं और परमानेंट खाना पड़ता है, ये नहीं एक बार खा लिया फिर जब दिल किया हफ्ते डेढ़ बार खा लिया, नहीं बल्कि डेली बेस के एक दो तीन टाइम तो खाना ज़रूरी है अपना। नेक्स्ट नेचर में अगर वांट्स को देखते हैं ना, डायनामिक एंड सब्जेक्ट टू चेंज है अपना, मुतहरक और तब्दीली के ताबे होती हैं, जैसे फैशन चेंज हो गए तो हमारी वांट जो है ना वो भी साथ में चेंज हो जाती हैं, वेदर के साथ चेंज होता हो जाती हैं, स्टाइल अगर चेंज हो गया, जगह चेंज होती है तो फिर भी वांट्स चेंज लोग कर देते हैं। एग्जाम्पल को देखते हैं तो नीड्स के अंदर जो एग्जाम्पल आती हैं, फूड आ गई, वाटर, शेल्टर एंड क्लोथ आ गए। तो जैसे कि हमने पहले बात की थी, नीड्स होती हैं बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं, ज़िंदा रहने के लिए खुराक, खाना, पानी पीना, घर वगैरह जो शेल्टर है, कपड़े पहनना, ये ज़रूरी होती हैं। वांट्स जो चीज़ वांट्स हैं ना लग्जरी आइटम्स के अंदर आ जाती हैं, इंटरटेनमेंट, ट्रैवल के लिए वो ज़रूरी होती हैं, इतनी ज़्यादा मतलब ज़रूरी नहीं होती, बस वो लग्जरी आइटम होते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के अंदर नीड्स जो है ना क्रिटिकली फॉर स्टेबिलिटी एंड बेसिक फंक्शनैलिटी, इस्तेकाम और बुनियादी फालियत के लिए ये ना अहम होती हैं। और जो वांट्स हैं अपने ना
इस्तेहकाम को बेहतर बनाएं, लेकिन बुनियादी काम के लिए ज़रूरी नहीं है। मतलब ये वांट जो है ना इतनी ज़रूरी नहीं है बुनियादी काम के लिए, नीड जो है ना वो ज़रूरी होती हैं। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, जो हेल्थ है ना उस पर क्या इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। नीड्स का जो है ना, निगलेक्टिंग नीड्स कैन लीड टू हेल्थ इशूज़। अगर हम जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं तो हमारे सेहत के जो है ना मसाइल जो है ना वो बन सकते हैं, उसका सामना हमें करना पड़ सकता है। और वांट्स जो है ना, अगर हम इनको निगलेक्ट करते हैं, नज़रअंदाज करने से जो है ना सेहत पर बहुत कम असर पड़ता है। इतना ज़रूरी नहीं होता इनको मतलब अपनाना, वांट्स को इतना असर ये नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वी सी दैट सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन अगर नीड्स के अंदर देखते हैं तो ज़रूरियात की तस्कीन एक मुस्तहकम ज़िंदगी की बुनियाद फ्राहम करती है। ख्वाहिशात की तकमील ज़िंदगी के लिए मियार में जो है ना इजाफा कर रही होती है। जो वांट्स होती हैं ना, वो ख्वाहिशात जो होती हैं ना, उसकी तकमील ज़िंदगी के मियार में इजाफा करती हैं, वो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं होती। नेक्स्ट जो है ना हम देख लेते हैं कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, जो सकाफ़ती असर व रसूख होता है, इसका इन्फ्लुएंस होता है। नीड्स के अंदर सकाफ़ती तब्दीलियों से निस्तन गैर मुतासर होता है, इसमें इतना ज़्यादा मुतासर नहीं होता, बल्कि जो वांट्स होती हैं ना, जो हमारी ख्वाहिशात हैं ना, इन चीज़ों पर ये इस चीज़ का असर पड़ रहा होता है। सकाफ़ती तरजीहात जो होती हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा जो है ना मुतासर हो रही होती हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी जो है ना, इसके अंदर जो नीड्स होती हैं मकसद और आबादियों में मुस्तकिल रहती हैं। जो मकसद होता है इंसानों का, उनको पूरा करना ज़रूरी होता है, और आबादियाँ जो हैं उसमें ज़रूरी पूरा करना पड़ता है, वरना लोग आबाद नहीं हो पाएंगे। वांट्स जो होती हैं ना, मजदूरी अफराद के दरमियान मुख्तलिफ होती हैं। हर बंदे की जो है ना वो मुख्तलिफ होती है, डिफरेंट वांट्स होती हैं। एक बंदे की वांट्स होती है गाड़ी लेना, दूसरे की होती है कुछ और चीज़ ले लेना, मोबाइल फ़ोन ले लेना, लैपटॉप या कुछ और, तो इस तरह से डिफरेंट होती हैं। लेकिन जो नीड्स होती हैं ना, हर बंदे के में कामन है अपनी, सबकी सेम होती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रेंड की। ट्रेंड जो है ना नीड्स के अंदर बदलते हुए जो माशरती रुझानात होते हैं उससे बड़ी हद तक मुदाफ़ियती रखते हैं। और वांट्स जो है ना, अक्सर माशरे रुझानात और असरात की तरफ से तश्कील दिए जाते हैं ये। नेक्स्ट है अडॉप्टबिलिटी। अब अडॉप्टबिलिटी के अंदर जो नीड्स होती हैं रिमेन कॉन्स्टेंट ओवर टाइम, टाइम जो है ना उसकी ज़रूरतें जो है ना वक्त के साथ साथ जो है ना मुस्तकिल रहती हैं, चेंज नहीं होती हैं। एक बंदा खाना खा रहा है तो वो मुस्तकबिल में जहर है, ज़िंदा रहने के लिए खाना खाएगा, कपड़े पहनेगा। तो ख्वाहिशात जो होती हैं वो बदलती तरजीहात और ख्वाहिशात जो हैं उसके टाइम के साथ साथ तरक्की करना चाह रहा होता है तो वो भी चेंज हो रहती हैं। एक बंदा है, इसके पास अगर बाइक आ गया तो उसके पास अगर मज़ीद पैसे आ जाए तो वो बाइक को हकारत के साथ देखेगा, और उसको ख्वाहिश होगी, वांट्स होगी उसकी, अब बड़ी गाड़ी लेने के लिए होशुल तार्ट हो जाएगी और वो ले लेगा। इस तरह से जो वांट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट सेकंड लास्ट में हम देख लेते हैं लॉन्गेविटी। लॉन्गेविटी में जो है ना, इसमें इंड्योरिंग होती हैं और टाइमलेस होती हैं। इसमें पायदार और जो है ना टाइमलेस नीड्स के अंदर जो है ना चीज़ें होती हैं। और जो वांट्स होते हैं सब्जेक्ट टू चेंज बेस्ड ऑन इवॉल्विंग डिज़ायर्स, इसमें अब बढ़ती हुई जो ख्वाहिशात की बुनियाद पर जो है ना ये चीज़ें जो है ना चेंज होती रहती हैं, तब्दीली के ताबे होती हैं। जब फैशन या कुछ भी चेंज होगा, वेदर चेंज होगा, तो लोगों की ख्वाहिशात हैं वो बदल जाएंगे। लास्ट हम देख लेते हैं नेसेसिटी, ज़रूरत जो है पड़ा। नीड्स जो है ना बुनियादी काम करने और बका के लिए ज़रूरी होती है, नेसेसरी फॉर बेसिक फंक्शनिंग एंड सर्वाइवल। जो नीड्स जो है ना ज़िंदा रहने के लिए, जो बका के लिए जो है ना बुनियादी काम करने और बका के लिए जो है ना वो ज़रूरी हैं पड़े। और जो वांट्स हैं ना, नॉट नेसेसरी फॉर बेसिक सर्वाइवल, बुनियादी बका के लिए जो है ना ज़रूरी नहीं होती वांट्स, लेकिन ज़्यादातर जो है ना लोग ज़िंदगी में लुत्फानंदोज़ होने के लिए इनका हिस्सा डाल रहे होते हैं, उसे स्टार्ट कर रहे होते हैं, अपने जो वांट्स होती हैं उनको पूरा कर रहे होते हैं। तो यह था आज का हमारा लेसन। थैंक यू।